अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ वाटिका हेयर स्टाइलिंग क्रीम का रिव्यू शेयर कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। क्या आगे जो है मेरी वीडियोज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जैसा कि एक माह के बाद ईद है, इस माह आपको जो है ईद से पहले अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी है, अपने हेयर्स की, अपने हैंड्स की, अपने फेस की, अपने जो है हर लिहाज से अपनी केयर करनी है। तो आज जो है मैं स्टार्ट ले रही हूँ वाटिका हेयर जो है स्टाइलिंग क्रीम से, कि आप किस तरह इस क्रीम से अपने हेयर्स की केयर कर सकते हैं। सो आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वाटिका हेयर क्रीम जो है लिया है। इसके साथ आप कोई भी अपना शैम्पू यूज़ कर सकती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता है कि हेयर स्टाइलिंग क्रीम क्या है, उनको किस तरह यूज़ करते हैं। आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडलाइन दे दूंगी कि आप किस तरह से वाटिका हेयर क्रीम जो है या स्टाइलिंग क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। वाटिका हेयर स्टाइलिंग क्रीम आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रूफ होगी। जैसे कि ईद से पहले आप अपने हेयर की केयर करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इस मंथ जो है आपके साथ सारे हर लिहाज से आप कैसे अपनी केयर कर सकते हैं शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है हेयर रेमेडी पे, वो भी आप यूज़ करें। उसके साथ साथ ये जो है आपके जो रूटीन में ये चीज़ें आप अपने हेयर की प्रोटेक्शन के लिए इंक्लूड करें। और वैसे भी किसको अच्छा नहीं लगता कि इसके बाल फ्रीजी फ्री हों, मैनेजेबल हों, देखने में सॉफ्ट सिल्की शाइन हो। और इसके बैग पर इसके यूज़ इंग्रेडिएंट और डेट वगैरह मेंशन की गई है, इसमें एक्सपायरी डेट मेंशन की है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इसके डिफरेंट हेयर केयर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वाटिका हेयर स्टाइलिंग स्प्रे जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्प्रे नहीं, स्टाइलिंग क्रीम। सॉरी फ्रेंड्स, मैं हेयर स्टाइलिंग क्रीम कहना था और मैं स्प्रे कह गई। सो चले अब हम आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। ये आप देख सकते हैं, आपको बताती हूँ कि ईद से पहले पूरा माह आपने हेयर की कैसे जो है हिफाजत करनी है। आपने अपने हेयर्स पे जो है ऑयलिंग ज़रूर करनी है, वीक में करें या कुछ दिन के बाद करें। उसके अलावा जब भी आप शैम्पू करें उससे पहले जो है ऑयलिंग करें, देन जो है ये वाटिका हेयर स्टाइलिंग क्रीम का यूज़ करें। शैम्पू आप कोई भी ले सकती हैं और इसके साथ जो है आपने ये क्रीम का यूज़ ज़रूर करना है। ये हेयर स्टाइलिंग क्रीम यूएई में मैन्युफैक्चर्ड की गई है और ये लॉन्च की गई है डाबर कॉस्मेटिक की तरफ से। यहाँ पे आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, ट्रायंगल सीज की शेप है। सो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको ज़रूर बाय करूँ। यहाँ पे आप इसका जो है जब भी आप इसको ओपन करें तो मेक श्योर के सिल्वर सील्ड पैक हो और उसके ऊपर वाटिका का वाटर मार्क ज़रूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही इसकी प्लेजेंट फ्रेग्रेंस है, बहुत सॉफ्ट है। तो इसकी फ्रेग्रेंस के बाद तो मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि आप जहाँ भी बैठेंगे हर कोई आपसे ये एक दफ़ा तो मस्ट है कि पूछेगा क्या लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ है। सो आप ये देख सकते हैं कि इसकी कितनी मैनेजेबल पैकिंग है। तो ये तो बात हो गई इसकी पैकेजिंग की और इसकी फ्रेग्रेंस की। चलो अब हम जो है आए आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है, इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। ये आप देख सकते हैं ये थिक कंसिस्टेंसी में है और इसका ये टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी, सॉफ्ट और मिल्की सा टेक्सचर है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना अमेजिंग है। आप टेक्सचर देख लें और मैं साथ ही साथ आपके साथ इसके साइड इफ़ेक्ट शेयर कर दूं। तो ये हर्बल जो है इंग्रेडिएंट के साथ बने, आगे मैं इसके इंग्रेडिएंट भी शेयर करती हूँ, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके जस्ट आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप जल्दी से वाटिका हेयर स्टाइलिंग क्रीम ले आएँ और इसके साथ साथ ये हेयर फॉल को भी बहुत हद तक बहुत ज़्यादा जो है ख़त्म करता है हेयर फॉल इसका। एक ये जब आप यूज़ कर लेंगे वाटिका हेयर स्टाइलिंग क्रीम तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा होगा कि आपके हेयर जो फॉल की स्पीड थी वो कितनी इजीली और कितनी जल्दी से जो है लॉक हो चुकी है, यानी कि नेक्स्ट जो है आपकी हेयर जो है फॉल नहीं होगा इस क्रीम को यूज़ करने के बाद। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं जिससे हमारे बाल जो हैं काफ़ी हद तक बाकी प्रॉब्लम्स भी जो हैं बालों की ख़त्म होंगी और हमें साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। मैं इसको रिमूव करके आपको इसको लगाने का तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से आपने वाटिका हेयर स्टाइलिंग क्रीम जो है अप्लाई करनी है और किस तरह से ये जो है आपको रिज़ल्ट देगी। ये मैं इसको यहाँ रिमूव करके तो आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाती हूँ। तो अब नेक्स्ट जो है मैं आपको बताने लगी हूँ कि अब आपने वाटिका हेयर स्टाइलिंग जो क्रीम है वो किस तरह से यूज़ करनी है।
ये देखें, आपने अपना कोई भी शैम्पू ले लेना है, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो शैम्पू कर लेना है। वाटिका हेयर स्टाइलिंग क्रीम जो है आप शैम्पू से पहले भी अपने रूट्स में अप्लाई कर सकती हैं और शैम्पू के बाद भी। ये मैं तो अब ऐसे इसी तरह यूज़ करती हूँ, पहले जो है शैम्पू कर लेती हूँ अपने हेयर्स को अच्छे से, और देन जो है मैं ये वाटिका हेयर स्टाइलिंग क्रीम अपने हैंड्स पर, मैं आपको भी बता देती हूँ कि कितनी क्वान्टिटी में लेती हूँ। आप देख सकते हैं इतनी क्वान्टिटी में आपने एक दफ़ा लेनी है और अपने जो है रूट्स में इसको अच्छे से अप्लाई करना है। देन आपने अगेन इतनी क्वांटिटी लेनी है इस तरह से रब करके हैंड्स पे, और इसको जो है अपने स्कैल्प में अपने हेयर्स पे जो है अप्लाई करना है। इजीली आपने इसको अपने हैंड्स के साथ स्मूथ मसाज करना है अपने हेयर्स पे, तो देन आपने इसको छोड़ देना है। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा, क्योंकि मैं इसके साथ पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, देन आपके साथ इसका जो है आप रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो ये क्रीम जो है आप लगाने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आपके जो हेयर हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। आपके जितने भी डलनेस, ड्राइनेस और जो डैंड्रफ था, हेयर फॉल था, वो सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका है। वाटिका हेयर स्टाइलिंग क्रीम आप ओवरनाइट भी यूज़ कर सकती हैं, देन जो है नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठ के अपना जो है हेयर को वॉश कर लें। तो आपको अगर आपको ये अच्छा लगा प्रोडक्ट तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ये आपके बालों को बहुत हेल्थी टेक्सचर और बहुत ही इजी एब्जॉर्ब हो जाता है आपके हेयर्स में, और बहुत ज़्यादा हेयर को शाइनी, स्मूथ और स्ट्रेट बनाता है। जो स्ट्रेट हेयर्स चाहते हैं वो भी ये प्रोडक्ट यूज़ करें, और इससे भी जो है उनके हेयर्स काफ़ी हद तक जो है स्ट्रेट हो जाते हैं। यहाँ पर इसके इन्ग्रीडियंट्स में जो है पैराफिन, एक्वा, कोकोनट ऑयल, लिक्विड्स, एक्सट्रैक्ट, हीलिंग प्रॉपर्टीज़, एलोवेरा, ओलिव ऑयल्स, कलर सेंट वगैरह यूज़ किया गया है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ये आपके हेयर फॉल को जो है और वीक हेयर की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है, इसके बाद जो है नरिश करता है, स्ट्रेटनिंग्स देता है, उसके साथ साथ आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग, सिल्की और शाइनी बनाता है। यहाँ आप देख सकते हैं और कुछ इन्ग्रीडियंट्स लिखे हुए हैं, जो ऊपर ओलिव्स का बताया हुआ है कि जो आपके हेयर्स हैं उनको नरिश करने में हेल्प करता है। रूट इसकी कैक्टस प्रॉपर्टीज़ हेयर को जो है स्ट्रॉन्ग करके जो है फाइट करती है हेयर फॉल से और स्ट्रेटनिंग देती है। नेक्स्ट जो है हिना एक्सट्रैक्ट है इसमें, जिससे आपके बाल सिल्की, स्मूथ, शाइनी और लॉन्ग होते हैं। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने जो है draz.pk से लिंक नीचे डाल दूँगी, draz.pk से 299 rupees में बाय किया। इतना ही, अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। यहाँ पे मैं अपने नए सब्सक्राइबर को वेलकम कहती हूँ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें।